एंड्रॉइड 11 को लॉन्च करने के बाद अब गूगल स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बेहद ही खास तोहफा लेकर आई है। जी हाँ, कंपनी ने एंड्रॉइड 11 को एडिशन को पेश कर दिया है, यानी अब यूजर्स को सस्ते स्मार्टफोन में भी फास्ट स्पीड मिलेगी। एंट्री लेवल फोन में एंड्रॉइड 11 को एडिशन अपडेट आने के बाद फोन के हैंग होने की भी समस्या नहीं होगी। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट 2GB या उससे कम रैम वाले स्मार्टफोन को ही मिलेगा। साथ ही आपको इसमें जेस्चर नेविगेशन भी मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर एक बेहतरीन फीचर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फाइल शेयरिंग ऐप की, यानी कि अब से आप अपने दोस्तों के साथ वायरलेसली कोई भी गेम या फिर ऐप आसानी से शेयर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित होगी, जिससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि अब से आपको ऐप शेयर करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जल्द ही आपको Realme के S न्यू सीरीज वाले स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि Oppo की S सीरीज कथित तौर पर बंद हो सकती है। कंपनी इस सीरीज को बंद करने की योजना बना रही है और हो सकता है कि इस सीरीज को Realme अपने ब्रांड के तहत पेश करे। Xiaomi ने नई टी शर्ट पेश कर दी है। जी हाँ, इसकी खास बात यह है कि कंपनी की मी इको एक्टिव टी शर्ट रिसाइकल मटेरियल से बनी है। इस टी शर्ट को 12 रिसाइकल पेट प्लास्टिक बोतल से बनाया गया है, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठा किया गया है। साथ ही इस टी शर्ट की पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली है, जो कि एक कैनिस्टर पैकेजिंग में आती है। फौजी गेम को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, वैसे तो ये गेम अक्टूबर मंथ के एंड में आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही इस गेम के कई सारे फेक एप्स प्ले स्टोर पर आ चुके हैं। इसलिए दोस्तों, भूलकर भी इन फेक एप्स को इंस्टॉल मत कीजिएगा, वरना कहीं इस चक्कर में आपका डेटा लीक ना हो जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए।